पीटीआई के नायब सदर फवाद चौधरी कहते हैं कि आज और कल पार्लिमानी पार्टीज की मीटिंग्स होंगी। पार्लिमानी पार्टीज वज़ीर आला परवेज इलाही पर इत्तेलाही पर एतमाद का इजहार करेंगी। फवाद चौधरी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद की नाकामी के बाद असेंबलियां तहलील करने की सिफारिश कर दी जाएगी। फवाद चौधरी ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत हर सूरत इलेक्शन से भागना चाहती है। दोनों पार्टियों की पार्लिमानी पार्टीज की जो मीटिंग्स हैं रिस्पेक्टिवली वो होंगी कल और परसों में, और पार्लिमानी पार्टीज चौधरी परवेज इलाही साहब के ऊपर अपने एतमाद का इजहार करेंगे। स्पीकर साहब का प्रेरोगेटिव है कि वो किस मामले को पहले लेते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को पहले लेते हैं, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नाकामी के फौरी बाद पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस जो है वो कर दी जाएगी। ये हुकूमत जो है इसने सिर्फ इलेक्शनों से फरार का एक रवैया अख्तियार किया हुआ है। आप इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, आप पाकिस्तान के अवाम के पास कहीं, चाहे वो इस्लामाबाद हो, चाहे वो कराची के मकामी हुकूमतों के इलेक्शन हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा हो, आप लोगों के सामने ही जाने की हैसियत औकात ही रखते। ये जो वजीर राणा सनावला और ख्वाजा आसफ जो बड़ी बड़ी बड़के मार रहे थे कि आप तोड़ें और हम जाएंगे, अब आप बताएं कि आपकी हालत क्यों हो गई। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर वन। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।